Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेफ टू इंडिया में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आग की क्या प्रकार होती है, आग कितने प्रकार के होते हैं। आज हम जानेंगे कि आग को बुझाने के लिए पोर्टेबल एक्सटिंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में आज जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली आग जो आग बुझाने का जो यंत्र है फायर एक्सटिंगुइशर, बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। लेकिन मॉडर्नाइज्ड रिसर्च के दौरान हमें यह मुख्यतः छह रूप में पाए जाते हैं। पहला आपका हो गया वाटर टाइप फायर एक्सटिंगुइशर, जो मुख्यतः पानी, वुड, फैब्रिक और कोल, इस सब पे यूज किया जाता है। वाटर टाइप एक्सटिंक्शन का यूज हम इलेक्ट्रिक फायर में नहीं करते हैं, किचन फायर में नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वो उसमें सुटेबल नहीं है, स्पेशली इसे क्लास ए फायर के लिए बनाया गया है। हम दूसरा लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्पेशली इलेक्ट्रिक फायर के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे हम क्लास वी फायर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो इलेक्ट्रिक फायर के लिए बना हुआ है। मैं तीसरा लूंगा फोम। फोम का हम यूज स्पेशली बी के लिए करते हैं, लिक्विड फायर के लिए। हम उसे लिक्विड फायर, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, इसके लिए यूज करते हैं। फोम भी दो प्रकार का होता है, एक केमिकल फोम, एक मैकेनिकल फोम। फिलहाल जो वर्तमान समय में हम केमिकल फोम का उपयोग बंद हो गया है, वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल फोम ही चल रहा है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो चौथा होता है ड्राई केमिकल पाउडर होता है, और ड्राई केमिकल पाउडर का यूज हम क्लास डी फायर के लिए करते हैं, मेटल के लिए करते हैं, और 1000 वोल्ट से कम यदि इलेक्ट्रिक फायर हो तो हम ड्राई केमिकल पाउडर का यूज वहां भी करते हैं। क्लास ए में भी ड्राई केमिकल का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, लेकिन हाँ, ड्राई केमिकल पाउडर हम क्लोज जगह में, बंद जगह में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसमें से जो पाउडर उड़ता है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो बोरेक्स और एल्युमिनियम सल्फेट वगैरह का ये पाउडर रहता है उसमें। पांचवी है वाटर मिस्ट। ये न्यू मॉडर्नाइज एक्सटिंक्शन है, इससे बूंद बूंद करके पानी निकलता है। इससे इलेक्ट्रिक आने, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस नहीं रहता। हम वाटर मिस्ट एक्सटिंक्शन से इलेक्ट्रिक फायर को भी बुझा सकते हैं। छठी है वेट केमिकल फायर एक्सटिंक्शन। ये जो गीले रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको बुझाने के लिए वेट केमिकल फायर एक्सटिंक्शन का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप एक्सटिंक्शन के बारे में अच्छे से आप जान गए होंगे, इनका यूज कहां करना है, कैसे करना है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सटिंक्शन यूज कैसे करते हैं, एक्सटिंक्शन के पार्ट्स के क्या क्या नेम है। तो अगर यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।